हेलो एवरीवन मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का वन शॉट वीडियो हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हार्प द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्यूटली फॉर फ्री एट लर्नोहार्प डॉट कॉम So, इस वीडियो के अंदर खत्म करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी लेट्स गेट स्टार्टेड तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में काफी सारी बातें की अब आज हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं कि क्या होगा अगर एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स और ये फोर्स क्या करता है उस चार्ज को डिस्प्लेस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगता है तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वो मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब साथ साथ आ जाते हैं तो क्या होता है वर्क डन एग्जैक्टली और यही वर्क डन जो है दिस गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ठीक है तो ये हमारी जनरल कहानी है अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की कहानी है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की कहानी से काफी ज्यादा सिमिलर है आप पूछोगे कैसे याद करो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच, बीच में जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर पढ़ा था हमने ग्रेविटेशन में दूसरी तरफ अगर मैं पूछूं कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है दो चार्जेस के बीच में याद करो कूलम्स लॉ जो पिछले लेसन में पढ़ा था सेज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर दोनों एक्सप्रेशन पे अगर आप ध्यान दो तो आप क्या देखोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि बोथ ऑफ देम फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ इतना ही नहीं ये दोनों के दोनों फोर्सेस जो हैं दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस और इसी वजह से हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की कहानी और इलेक्ट्रोस्टैटिक की पोटेंशियल की कहानी काफी सिमिलर चलती है ठीक है तो अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो उसमें क्या होता था उस कहानी में कुछ ऐसा होता था कि अगर मेरे पास एक बॉल है इस पॉइंट पर राइट नाउ ठीक है इसे अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाना चाहती हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां से यहां ले जाने के लिए मुझे इस बॉल पे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा फोर्स लगने से इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलकर कुछ वर्क डन हो रहा है इस बॉल के ऊपर मैं कुछ वर्क कर रही हूं एंड यही वर्क जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जा रहा है तो जब ये इस पॉइंट पर पहुंच रहा है इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज बेसिकली जो काम हमने किया इसे यहां से यहां से तक पहुंचाने के लिए अब जब मैं इस बॉल को यहां से छोड़ दूंगी तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा यही होती थी हमारी कहानी ग्रेविटेशन में ठीक उसी तरीके से सोचो अब यहां पर चार्जेस के केस में जब एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है अब अगर उस चार्ज को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना चाहती हूं तो मुझे क्या करना होगा मुझे कुछ वर्क करना होगा राइट काम किए बिना क्या मिलता है यार कुछ नहीं मिलता है है ना तो मेहनत तो करनी पड़ती है तो अगर मुझे उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाना है ठीक है तो मुझे किसके अगेंस्ट काम करना है जैसे यहां पर बॉल को मैं नीचे से ऊपर ले गई तो आई वॉज वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसे नीचे लाना चाहता था उसी तरीके से अगर एक चार्ज को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना चाहती हूँ अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा और ये जो वर्क है ये वर्क गेट स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो साफ शब्दों में यही कहानी है ठीक है समझ आया चलो आगे बढ़े तो चलो बच्चों थोड़ा और बारीकी से देखते हैं इसे लेटर सपोज हमारे पास एक चार्ज है क्यूब ठीक है अब मुझे इस चार्ज को लेके जाना है फ्रॉम पॉइंट आर टू पॉइंट पी आर से पी तक इसको मुझे लेके जाना है अब आप मुझसे पूछोगे कि ऑब्वियसली मैम अभी तो आपने बोला कि बिना काम किए कुछ नहीं होता है तो हाँ ठीक है मुझे पता है कि मुझे कुछ वर्क करना होगा बट कितना वर्क करना होगा ये कौन बताएगा कितना काम करना होगा तो बच्चों यहां पर एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है देखो आर से मैं पी तक लेके जा रही हूं तो R और P के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है मुझे उतना ही काम करना होगा समझ आई बात इट इज लाइक कि मेरे पॉकेट में सौ रुपए हैं ठीक है ठीके? और मुझे एक किताब खरीदनी है जिसका प्राइस है वन फिफ्टी रुपीज डेढ़ सौ रुपए तो यानी कि मुझे एक्स्ट्रा कितने पैसे लगाने पड़ेंगे फिफ्टी रुपीज राइट तो जितने मेरे पॉकेट में हैं और जितना उस किताब का प्राइस है इन दोनों का जो डिफरेंस है मुझे वो पैसे लगाने पड़ेंगे तो मुझे फिफ्टी रुपीज अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे ठीक उसी तरीके से यहां पर जो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास जैसे R से P तक जाना है तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है हमें उतना काम करना पड़ेगा अगर हम उस चार्ज को R से P तक ले जाना चाहते हैं बात समझ में आई सिंपल वर्ड्स में ये बात समझ में आई होगी ठीक है तो अब अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन आर एंड पी क्योंकि हम इसे कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं आर से पी तक लेके जा रहे हैं करेक्ट तो फाइनल पॉइंट मेरा पी है इनिशियल पॉइंट मेरा आर है है ना तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी लेटर सपोज है यू पी ठीक है इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी लेटर से यू आर तो यू पी माइनस यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू आर पी डब्ल्यू आर पी मतलब वर्क डन टू टेक द चार्ज फ्रॉम आर टू पी तो इसी के साथ बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं राइट right? क्योंकि अभी हमने किसकी बात करी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज बेसिकली द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू टेक द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर पॉइंट इन एन आर्बिट्ररी चार्ज कॉन्फिगरेशन तो किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट तो बच्चों अब हमें यह तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है क्योंकि हमने तो डिफरेंस की बात की लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कैसे डिफाइन करेंगे हम अगर हमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करनी हो तो गौर से सोचो अभी अभी हमने क्या बोला कि जो वर्क डन होता है किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जैसे कि वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम आर टू पी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलूं कि मान लो कि मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पर लेके आ रही हूं समझ रहे हो पहले मैं क्या बोल रही थी इसे मैं आर से पी तक लेके जा रही हूं अब मैं बोल रही हूं कि मैं इसे इन्फिनिटी से पी तक लेके आ रही हूं ठीक है अब इन्फिनिटी में, में मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जीरो ठीक so है सो दैट्स वॉट वी एज्यूम कि आर की जो वैल्यू है दैट इज इंफिनिटी एंड वन ऑपन आर बिकम्स जीरो तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो ठीक है तो अगर अब मैं देखूं तो मेरा वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी दैट इज डब्ल्यू इन्फिनिटी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यू पी माइनस यू इंफिनिटी ठीक है तो यानी कि यू इंफिनिटी क्या है पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो है ना तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर सिर्फ डिफाइन करना है तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट पी इन एन आर्बिट्ररी चार्ज कॉन्फिगरेशन विदाउट एक्सेलरेटिंग द चार्ज तो वो हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है बढ़िया है अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जहां बात आती है तो जरूरी हो जाता है ये जानना कि इसे इसे हम हम कैसे डिनोट डिनोट करते करते हैं करते हैं कैपिटल से इसीलिए देखो हर जगह मैं लिख रही हूं यू पी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एनर्जीटी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी यू आर मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर यूनिट्स की अगर बात करें तो एस आई यूनिट इज जूल अदर यूनिट्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एन यूनिट ठीक है So that's about electrostatic potential energy. तो ओके चलो अब तक हमने क्या क्या कवर किया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कवर किया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कवर किया अब बारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है सो देखो धीरे धीरे जो ना वर्ड्स कम हो रहे हैं पहले क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो बच्चों देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम बहुत ही आसान तरीके से डिफाइन करते हैं सो इट इज पोटेंशियल मतलब क्या होता है एबिलिटी हम ऐसे कहते हैं ना अक्सर ही कि इस बच्चे में ना बहुत पोटेंशियल है या आगे कुछ बहुत अच्छा करेगा सो व्हाट इज पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी एबिलिटी कैपेबिलिटी सो दैट्स पोटेंशियल तो यहाँ पर भी पोटेंशियल जो वर्ड है इसका मतलब वही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना कैपेसिटी है कि वो कुछ काम कर सके कितना ऑलरेडी स्टोर्ड यू नो एनर्जी है सो दैट्स दैट्स वॉट इज पोटेंशियल तो पोटेंशियल हमको को हम कैसे डिफाइन करते हैं सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज अच्छे से समझना है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है तो मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था एक्जैक्टली exactly वैसे लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से ठीक है पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से और पोटेंशियल को डिनोट करते हैं वी से और दोनों में फर्क कितना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो चलो अब टाइम आ गया है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन दोनों को मैथमेटिकली देखते हैं इन दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखते हैं तो सबसे पहले सिचुएशन को समझते हैं अस सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है लेट्स से प्लस क्यू ठीक है अब मुझे किसी भी एक पॉइंट पी पर जो कि इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस दूर पर सिचुएटेड है उस पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ठीक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेरा कितना हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लॉजिक समझो अभी अभी डिफाइन किया था राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity टू द पॉइंट पी ठीक है इंफिनिटी से उस पॉइंट पी तक

नहीं so, सो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कि अगर कभी भी हमारे पास एक चार्ज दिया हुआ है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालनी है सो इट विल बी के क्यू बाई आर ओके अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम एक यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तब हम क्या कहते हैं कि कोई भी एक चार्ज क्यू को हम इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ला रहे हैं राइट तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा के q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर जहां पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो स्मॉल क्यू चार्ज है इस चार्ज को हम इंफिनिटी से पॉइंट पी पर लेके आ रहे हैं ठीक है तो इसीलिए मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा यू इसे डिनोट करते हैं कैपिटल यू से सो यू ऑफ R इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर Clear? तो देखो दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखते हुए क्या फर्क है दोनों में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज अगर आप कर दो तो आपको क्या मिल जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड लेट मी टेल यू बच्चों ये जो एक्सप्रेशन हैं दे आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड आगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इनके ऊपर बेस्ड हमारी आगे की पूरी की पूरी पोटेंशियल की कहानी बेस्ड है तो इसीलिए इन पर गौर करना है तो बच्चा पार्टी अभी तक हमने तीन चीजें डिस्कस की एक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ठीक है तो अब जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की भी बात करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात करते हैं तो कई बार दिमाग में आता है कन्फ्यूजन कि ठीक है हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात कर रहे हैं वाई पोटेंशियल डिफरेंस की हम इतनी अलग से बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है फिजिकली दैट इज मोर सिग्निफिकेंट क्योंकि जो भी ये जो, जो जो भी खेल हो रहा है ना ये जो भी कहानी हो रही है कि किसके वजह से हो रही है दो पॉइंट के बीच में जब पोटेंशियल का फर्क होता है तभी वर्क डन होता है राइट right? So, तभी ये सारी कहानी हो रही है जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है फिजिकली इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट दैन पोटेंशियल हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के यूनिट सेम होते हैं दोनों को हम वोल्ट के यूनिट में मेजर करते हैं इतना ही नहीं अगर हम बात करते हैं इन्फिनिटी पर इंफिनिटी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है इट इज़ ऑलवेज टेकन एज जीरो क्यों मैथमेटिकली अभी एक्सप्रेशन बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर तो जब हम इंफिनिटी पे चले जाते हैं तो आर की वैल्यू इन्फिनिटी है इज इज एंड पोटेंशियल एट ठीक है तो बच्चों ये जो तीनों चीजें हमने डिस्कस की ना पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनके में आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस अभी तक हमने क्या देखा अभी हमने देखा कि एक पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अगर एक चार्ज Q है तो पॉइंट पी पर जो कि डिस्टेंस R पे है वहां पर पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर वेर के इज वन बाई फोर बाई अपड कहानी सिंपल थी अब मैंने बोला कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जहां पर बहुत सारे चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 एंड सो ऑन इतने सारे चार्जेस हैं और अब तुम तो मुझे बताओ कि पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा तो बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे यहां पर हम लगाएंगे हमारा पुराना जाना पहचाना हुआ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो कहता है कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पी ड्यू टू क्यू वन प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू क्यू टू प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू क्यू थ्री एंड सो ऑन तो यानी कि ये जो सारे इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं इनका सम कर दो तो ये हो जाएगा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस तो यानी कि हमारा पोटेंशियल कैसा दिखेगा कुछ ऐसा के क्यू वन बाई आर वन प्लस के क्यू टू बाई आर टू प्लस के क्यू थ्री बाई आर थ्री एंड सो ऑन एंड दैट्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अस्टम ऑफ चार्जेज तो चलो अब ये देखते हैं कि किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक एक्जियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा अब एक्जियल पॉइंट क्या होता है ये तो बैनाव सबको पता ही है मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट जो इस डायपोल की एक्सेस पे लाई कर रहा हो जैसे कि ये वाला पॉइंट पी ठीक है और ये पॉइंट लेट लेटर सपोज डाइपोल से से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है और डायपोल से तो हमें पता ही है कि सारे डिस्टेंसेस हम सेंटर ऑफ द डाइपोल से मेजर करते हैं तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस एक्स है ठीक है और ये मेरा डाइपोल है सो दिस इज लेट्स से प्लस क्यू एंड दिस इज लेट्स से माइनस क्यू ठीक है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है दैट इज टू ए तो ये मेरी सिचुएशन है तो मुझे क्या निकालना है मुझे इस पॉइंट p पर पोटेंशियल निकालना है ठीक है अब पॉइंट p पर जो पोटेंशियल होगा वो एक तो इस प्लस q की वजह से होगा एक तो ये माइनस q की वजह से होगा ठीक है तो लेट अस सपोज हम इस पॉइंट को a कहते हैं और इस पॉइंट को हम b कहते हैं तो पोटेंशियल जो p पर होगा वो एक तो a की वजह से होगा और एक पोटेंशियल b की वजह से होगा ठीक है तो a की वजह से इस वाले प्लस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बाई आर आर बोले तो डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज तो डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू कितना हो जाएगा एक्स प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना है ए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए पोटेंशियल एट पी ड्यू टू बी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर मतलब ये वाला डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स माइनस ए क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो ए ही है तो इस पूरे एक्स से ए को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए ठीक है अब मुझे क्या निकालना है भाई मुझे तो नेट नेट कितना पोटेंशियल पी पर होगा वो निकालना है सो नेट पोटेंशियल एट पी क्या हो जाएगा पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू बी ये हो जाएगा अब यहाँ पर एक चीज हमने मिस कर दी पोटेंशियल एट पी ड्यू टू बी में एक माइनस साइन भी आएगा क्योंकि ये q क्या है नेगेटिव चार्ज है ठीक है अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा kq x a माइनस के क्यू बाई एक्स माइनस ए अब यहां से हम माइनस के क्यू को कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा माइनस वन बाई एक्स प्लस ए प्लस वन बाई एक्स माइनस ए तो इसे फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं ये हो जाएगा इनका अगर हम एल लेंगे तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा ऊपर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए तो सिंपल मैथ्स कर रही हूं मैं तो आगे की कैलकुलेशन इस तरफ करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो यहां माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस के क्यू इंटू टू एड बाई एक्स स्क् माइनस ए स्क्वायर ठीक है अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें क्या दिख रहा है कि चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस या फिर लेंथ ऑफ द दा डाइपोल उसे हम क्या कहते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है क्यू इंटू टू ए इसे ही तो कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर उसको हम P से रिप्लेस कर सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के पी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है तो ये बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा नेट पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ठीक है अब इसका एक स्पेशल केस आ सकता है जैसे अगर मैं एक स्पेशल केस की बात करूं कैसा स्पेशल केस कि यार मान लो कि ये जो पॉइंट है ना P ये अगर डाइपोल से बहुत ज्यादा दूर हो यानी कि x की जो वैल्यू है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन A है मतलब डाइपोल का जो लेंथ है उसके मुकाबले पॉइंट P बहुत दूर है तो वैसे केस में मैथमेटिकली मेरा जो नेट पोटेंशियल होगा एक्सियल पॉइंट पे वो कितना हो जाएगा ऐसे केस में square, के मुकाबले बहुत बड़ा है तो को हम एक्सएसर ही लिख सकते हैं राइट मतलब इट इज लाइक वन लाख में से अगर माइनस आप वन कर रहे हो तो बहुत छोटा सा रिडक्शन है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिडक्शन है तो इसको उस केस में आप माइनस के पी बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हो तो चलो ठीक इसी तरीके से इसी लॉजिक के साथ अब देखते हैं कि एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है किसी भी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर लाई करने वाला कोई पॉइंट जैसे कि ये वाला पॉइंट पी तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी भी जो है डाइपोल से एक्स डिस्टेंस पर है जहां पर ये वाला पॉइंट मतलब तो डाइपोल के सेंटर से ही मेजर करते हैं एनी और दिस इज प्लस क्यू माइनस क्यू है ये वाला लेट से ए है ये बी है ठीक है और लेंथ ऑफ द डाइपोल तो टू ए है तो इसीलिए इस तरफ ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ए उसी तरह ये वाला डिस्टेंस फिर से हो जाएगा ए ठीक है तो ये हमारा मतलब गिवन सिचुएशन है ठीक है अब क्या होगा जो नेट पोटेंशियल P पर होगा एक तो पोटेंशियल A की वजह से होगा मतलब प्लस Q की वजह से होगा दूसरा पोटेंशियल P पर किसकी वजह से होगा B की वजह से होगा यानी कि माइनस क्यू की, की वजह से होगा तो दोनों की वैल्यूज पहले निकालते हैं क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर आर क्या होगा A और P के बीच का डिस्टेंस जो कि ये वाला डिस्टेंस है ठीक है तो ये डिस्टेंस कितना होगा देखो ये क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ये है पाइथागोरो तो रूट ओवर प्लस ए स्क्र दिख रहा है ना साफ साफ पर स्क्वायर तो लिख देते हैं यहां पर ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ठीक उसी तरीके से निकालते हैं पोटेंशियल एट पी ड्यू टू बी तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्योंकि यहां पर माइनस क्यू चार्ज है डिवाइडेड बाय रूट ओवर ये भी ये ये वाला डिस्टेंस होगा पी बी और पी बी की वैल्यू भी सेम होगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्योंकि देखो ये भी एक राइट एंगल ट्रैंगल है इधर है ना तो ये भी हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो अब जब हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू बी और अगर आप देखो दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है बट ऑपोजिट साइन है मींस दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा जीरो तो बेसिकली इक्वेटोरियल पॉइंट पर किसी भी डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है नेट दैट पोटेंशियल इज जीरो अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम नोटिस करते हैं क्योंकि याद है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए तो हमने नोटिस किया था कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकलता है दैट इज नॉन जीरो लेकिन यहां पर हमने क्या देखा जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो पोटेंशियल इज जीरो तो अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो कैसे अब यार उसको मैं रिपीट तो नहीं करूंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले लेसन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैलकुलेट की थी जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है और अगर उन्हें याद है तो फटाफट से प्रैक्टिस कर ले एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मजा भी आएगा ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था टू नोट तो बच्चों अभी हमने दो स्पेशल केसेस देखे एक्सियल पॉइंट देखा इक्वेटोरियल पॉइंट देखा तो अगर इसको और जनरलाइज कर दें मतलब हम बिल्कुल जनरलाइज कर देते हैं कि एट एनी पॉइंट मतलब कोई भी अगर एक पॉइंट पी है मतलब ऐसा नहीं है कि वो इक्वेटोरियल पॉइंट ही है या एक्सियल पॉइंट ही है कोई भी एक पॉइंट पी है जो इस तरीके से डायपोल से लेट्स से r डिस्टेंस पर लाई कर रहा है जो डायपोल से एंगल बना रहा है थीटा ठीक है तो मान लेते हैं कि ये मेरा डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू ठीक है तो ऐसे केस में हम पोटेंशियल की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं तो ऐसे केस में हम देखते हैं जो हमारी नेट पोटेंशियल है उसको हम लिख सकते हैं के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ठीक है तो ये मतलब एक जनरल केस हो गया ठीक है अब देखो कैसे ये जनरल केस के अंदर अभी अभी जो हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट की बात की वो भी कैसे यहां पर लागू हो जाता है तो जैसे जब हम बात कर रहे थे लेट से एक्सियल पॉइंट की ठीक है तो एक्सियल पॉइंट पर क्या हो रहा था मेरा जो पी है वो यहां कहीं लाइक कर रहा था करेक्ट एक्सियल पॉइंट पॉइंट के केस में मेरा पी जो है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा था तो उस केस में जो मेरी थीटा की वैल्यू हो जा रही थी वो कितनी हो जा रही थी क्योंकि पी तो ऐसे इधर आ जा रहा था ना सो so, इस थीटा की वैल्यू है बस जीरो करेक्ट तो एक्सियल पॉइंट की जब हम बात कर रहे थे तो थीटा इज जीरो केस में जो नेट पोटेंशियल होगा कॉस जीरो तो हो जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर तो अब अगर आप पीछे जाके देखो अभी जस्ट पांच मिनट पहले जो हमने डेरिवेशन निकाली थी उसमें भी नेट की वैल्यू आई थी तो यहां पर हमने ये डिस्टेंस को आर मान रखा है तो इसीलिए ठीक है अब बात करते हैं हम इक्वेटोरियल पॉइंट की तो जब हम इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो मेरा जो पॉइंट पी है वो यहां कहीं लाई करेगा राइट तो जब वो यहां कहीं लाई करेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री और कॉस 90 क्या होता है जीरो तो इसीलिए नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो और वही एग्जैक्टली exactly हमने डिराइव किया था अभी इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए तो कहने का मतलब यह है कि इन जनरल अगर कोई भी एक पॉइंट पी है जो थीटा एंगल बना रहा है डाइपोल के साथ और डाइपोल से आर डिस्टेंस अवे है तो नेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज केपी थीटा बाई आर स्क्वायर तो चलो बच्चों ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन टू चार्जेस थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस एट कूलम एंड माइनस टू इंटू टेन टू द पावर माइनस एट कूलम दो चार्जेस हैं लोकेटेड फिफ्टीन सेंटीमीटर अपार्ट ठीक है तो लेट अस सपोज कि यहाँ पर एक चार्ज है पॉइंट ए पर एक चार्ज है यहाँ पॉइंट बी पर एक और चार्ज है ठीक है तो यहाँ पर लेट्स से प्लस क्यू वन है और यहाँ पर है माइनस क्यू टू और इनके बीच का लेट से डिस्टेंस है कुछ भी आर है डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्यू वन की वैल्यू दी हुई है थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस एट क्यू टू की वैल्यू दी हुई है माइनस टू इंटू टेन टू द पावर माइनस एट इनके बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर यानी कि ये 15 सेंटीमीटर आर की वैल्यू है इनके बीच का जो डिस्टेंस है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो मतलब इस लाइन के ऊपर कौन सा वो पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा अब फिलहाल तो मुझे पता नहीं है तो हम मान लेते हैं लेटर सपोज कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दैट इज जीरो पॉइंट पी ठीक है तो हम मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट पी जैसे कि मैंने माना कि ये मेरा पॉइंट पी है जो कि प्लस क्यू वन वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है तो अगर ये एक्स है तो ये बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर माइनस एक्स ठीक है ओके अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन के हिसाब से इस पॉइंट पी पर जो नेट पोटेंशियल है वो जीरो होना चाहिए ठीक है तो मेरा सबसे पहला काम क्या है कि मुझे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालना है अब पॉइंट पी का जो पोटेंशियल होगा वो किसके किसके वजह से होगा ए की वजह से होगा बी की वजह से होगा तो इंडिविजुअली पहले इनकी वैल्यूज निकालते हैं पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा के क्यू वन बाई एक्स पोटेंशियल एट पी ड्यू टू बी क्या हो जाएगा के टू माइनस के क्यू टू डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होगा पोटेंशियल है तो के क्यू बाई आर राइट तो के क्यू बाई आर गलती से मैंने स्क्वायर डाल दिया था ठीक है तो ये हो जाएगा पोटेंशियल तो अब बात करते हैं नेट पोटेंशियल तो फिर एट पॉइंट पी जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट पी ड्यू टू बी ठीक है यानी कि ये हो जाएगा के क्यू वन बाई एक्स माइनस के क्यू टू बाइनस एक्स ठीक है अच्छा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए जीरो क्योंकि हमने ये माना है कि पी वो वाला पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है ठीक है तो एज पर दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह लो या अकॉर्डिंग टू आवर एक्साम्शन कह लो हम कह सकते हैं कि ये जो नेट पोटेंशियल है ये दिस पोटेंशियल हैज टू बी इक्वल टू जीरो ठीक है? अब इसको हम करेंगे सॉल्व अब के को कॉमन ले लेंगे इधर ले आएंगे तो के गायब हो जाएगा ठीक है तो क्या बचा इधर बचेगा क्यू वन बाई एक्स माइनस क्यू टू बाई आर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहां से अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है बेसिकली तो ये क्या हो जाएगा क्यू वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्यू टू बाई आर माइनस एक्स अब x वाले टर्म्स को एक तरफ करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो ये क्या हो जाएगा Q1 वन इंटू आर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू टू इंटू एक्स तो ये हो जाएगा Q1 वन आर माइनस क्यू वन एक्स इज इक्वल टू क्यू टू एक्स तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस क्यू वन एक्स माइनस क्यू टू एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू वन आर या फिर यहां से अगर हम कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया क्यू वन प्लस क्यू टू एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू वन आर तो ये माइनस माइनस कैंसिल तो सारी दी गई है क्यू वन की वैल्यू क्या है थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस एट आर की वैल्यू क्या है फिफ्टीन सेंटीमीटर यानी कि फिफ्टीन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू मीटर्स डिवाइडेड by Q1 वन प्लस क्यू तो Q1 की वैल्यू क्या है थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस एट क्यू की वैल्यू क्या है टू इंटू टेन टू द पावर माइनस एट मतलब जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस एट तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू मीटर्स यानी कि नाइन सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारा आंसर तो चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर टू अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड टेन सेंटीमीटर हैज अ 5 फाइव माइक्रोकुल्ब एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो सबसे पहले तो क्या बनाएंगे हेक्सागन हेक्सागन बोले तो जिसका ऐसा पॉलीगन जिसमें छह साइड्स हो सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर मतलब इसके सारे साइड्स जो हैं वो बराबर लेंथ के हैं ठीक है ये कह रहा है कि इसके हर वर्टेक्स पे एक चार्ज है। कितने कूलम कूलम। का? फाइव माइक्रो सो लेट अस सपोज हर वर्टेक्स पे एक क्यू चार्ज है सच दैट क्यू इज इक्वल टू फाइव माइक्रोकुल ठीक है कैलक्यूलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन हमें इस हेक्सागन के सेंटर पेलेट से दिस सेंटर इज ओ तो हमें इस पॉइंट ओ पर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ठीक है तो अब लॉजिकली सोच के देखो तो इस पॉइंट ओ पर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से होगा वो पोटेंशियल जो है हर एक वर्टिक्स की वजह से होगा मतलब तो हर एक क्यू की वजह से होगा है ना तो यहां पर कितने क्यूँ हैं एक दो तीन चार पाँच छः क्यू है ठीक है तो चलो एक क्यू की बात करते हैं तो पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या होगा के क्यू बाई आर आर क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए फ्रॉम ओ यानी कि ये वाला डिस्टेंस ठीक है तो हेक्सागन के केस में ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा चलो कैल्कुलेट करके देखते हैं ठीक है ओके okay, अब देखो हेक्सागन चूंकि ये रेगुलर हेक्सागन है मैं पूरा ही बना देती हूँ क्योंकि ये सारी लेंथ्स तो हमें चाहिए ही होंगी जब हम सब के लिए निकालेंगे अब चूंकि ये हेक्सागन के सारे साइड्स बराबर हैं इनका जो बीच वाला एंगल होगा ये कितना होगा ये सिक्सटी डिग्री होगा राइट क्योंकि एक दो तीन चार पाँच छः टोटल छः एंगल्स हैं सारे बराबर एंगल हैं सबका सामिज थ्री डिग्री तो ईच एंगल कितना होगा थ्री सिक्सटी बाई यानी कि सिक्सटी डिग्री ठीक है इसके अलावा चूंकि ये रेगुलर एक्सागन है तो इसलिए इसके ये जो साइड्स हैं इनकी जो लेंथ्स हैं ये सारी बराबर होंगी ठीक है ये दूसरी बात है अब क्या हो रहा है अब देखो अगर एक ट्रायंगल पे हम फोकस करें जैसे लेट से हम सिर्फ इस ट्रैंगल पर फोकस करें अगर तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसके तीनों साइड्स बराबर हैं अब जैसे ये दोनों भी बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे यानी कि ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री 60 डिग्री ईच हो जाएंगे तो बेसिकली ये जो ट्रैगल है ये कैसा ट्राइंगल है ये एक इक्वी ट्रैंगल है ठीक है यहाँ तक भी समझ में आ रहा है राइट तो हेक्सागन तो right? तो की टेन सेंटीमीटर तो यहां पर जो एओ का जो लेंथ हो जाएगा दैट विल ऑल्सो भी टेन सेंटीमीटर यानी कि टेन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू मीटर ठीक है ये हो जाएगा पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू ए अब ठीक इसी तरीके से पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू बी होगा सी डी ई एफ सबकी वजह से होगा तो फिर जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा सबका सम अब देखो सबकी वजह से पोटेंशियल बराबर होगा क्यों क्योंकि जो आर की वैल्यू है के क्यू बाई आर की जो वैल्यू है वो आर तो सबके लिए सेम है क्योंकि ये वाला जो लेंथ है ये सभी के लिए टेन सेंटीमीटर है है ना तो इसीलिए नेट v कितना हो जाएगा सिक्स टाइम्स ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाई टेन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू तो यहाँ पर अब हम वैल्यू डाल सकते हैं k की जगह नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन q की जगह फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स कुलम क्योंकि ये तो माइक्रो कूलम में दिया हुआ है एंड वन माइक्रोकुलेन टू दावर माइनस सिक्स कूलम ठीक है तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द पावर सिक्स ये हो जाएगा नेट पोटेंशियल एट द सेंटर तो आप देखोगे कि इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है ना इसमें आपके फॉर्मूला तो देखो एक ही लगा नॉर्मल पोटेंशियल का फॉर्मूला बट इट वॉज मोर अबाउट कि ये जो वैल्यूज है ना जैसे आर की वैल्यू है ये आप कैसे निकालोगे विच वॉज फ्रॉम सिंपल मैथमेटिक्स ठीक है चलो आगे बढ़े तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ट्रस्ट में एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है एक कॉन्सेप्ट के जिसका नाम है इक्वी पोटेंशियल नाम से पता चलता है इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो अब आप सोचोगे कि क्या कोई ऐसा सरफेस पॉसिबल है सोचो 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 बिल्कुल पॉसिबल है एग्जाम्पल लेते हैं पॉइंट चार्ज का ठीक है अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू होता है तो उस चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पर पोटेंशियल कितना होता है के क्यू बाई आर ये तो हमें पता है ठीक है अब मान लो हम इसी पॉइंट चार्ज की बात करते हैं एंड लेट्स से हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज है वो इस ये जो रिंग हमें दिख रहा है ये जो एक लेट्स से कि ये एक स्फीयर है इसके सेंटर पर लाई कर रहा है ठीक है तो इस रिंग का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो अगर मान लो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे जो है पॉइंट चार्ज है तो इस वाले पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बाई आर जहाँ पे आर इज द रेडियस इस पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बाई आर जहाँ आर इज द रेडियस इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बाई आर जहां आर इज द रेडियस तो बच्चों इस पूरे सरफेस पे अगर हम देखें तो पोटेंशियल तो बराबर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज है कि नहीं तो इसका मतलब है कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज की बात करें तो हमें स्फेरिकल जो सर्फेसिस मिलेंगे दे आर ऑल इक्वी पोटेंशियल सर्वेज और ये किस तरह के इक्वी पोटेंशियल सर्वेज है दीज आर स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सर्विस ऑन सिमिलर लाइन अगर हम बात करते हैं एक लाइन चार्ज की जैसे एक डंडी है लंबी सी डंडी है जिसमें चार्ज है ठीक है तो इस लाइन चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सर्फेस कैसा होगा लाइक अ सिलेंडर देखो देखो विजुअलाइज लुक एट द पिक्चर ऑन द स्क्रीन ये मेरा लाइन चार्ज है और इसके ऊपर अगर आप एक सिलेंडर बना दो तो आप क्या देखोगे कि सिलेंडर पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज सेम क्यों क्योंकि पोटेंशियल इज के क्यू बाई आर अब ये जो सिलेंडर है ये सिलेंडर का जो सरफेस पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस तो बराबर है सो दीज आर सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लेट से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट लाइक दीज तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा इसके परपेंडिकुलर तो इट्स लाइक अगर इक्वी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूं जा रहा है तो ये जो सर्फेसेस हैं इस तरीके से सो दीज आर इक्वी पोटेंशियल क्योंकि इन सर्फेसेस पे जो हमारा पोटेंशियल है दैट इज जस्ट द सेम हर एक, एक इस सर्फेस पे सबका पोटेंशियल सेम है उसी तरह एक और दूसरे सरफेस पे सबका पोटेंशियल सेम है एंड सो ऑन तो ये होते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस तो चलो अब हम इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस देखते हैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के केस में जैसे कि देखो मेरे इस तरफ है एक सिचुएशन जहाँ पर ए, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जब सिस्टम रहता है तो वहाँ पर मेरा इक्वी पोटेंशियल देखो कैसा होता है पैटर्न देखो बना हुआ है जहां हम देख रहे हैं कि जो अंदर के इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है वह बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के लेकिन जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आ रहे हैं तो उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है दूसरी तरफ इधर अगर आप देखो तो यहां पर जो मेरा सिस्टम है इसमें दोनों लाइक चार्जेस हैं यानी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो है ना इनके केस में अगर आप पैटर्न को देखो इक्वीपोटेंशियल सर्फेस का पैटर्न तो ये काफी डिफरेंट है तो right? so, बच्चों क्या आप गेस कर सकते हो कि ये जो दो डिफरेंट पैटर्न हमें दोनों केस में दिख रहे हैं ये पैटर्न अलग अलग क्यों है ऐसा पैटर्न हमें क्यों दिख रहा है सोचो इलेक्ट्रक्वी पोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट किससे लिंक्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक्ड है जब हम दो चार्जेस की साथ में बात कर रहे हैं तो यानी कि वहां पर कौन सी चीज पिक्चर में आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने पिछले लेसन में पढ़ा था राइट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है जैसा कि यहां पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव वाले से निकलेगी नेगेटिव वाले में घुस जाएगी है ना तो इसके वजह से अगर आप इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखो तो वो पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर में हमें इक्वे पोटेंशियल सर्विस मिलेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहां पर हमें इक्वे पोटेंशियल सर्विस का ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है दूसरी तरफ यहां पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखते हैं तो दोनों चूंकि लाइक चार्जेस हैं हैं तो क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यू निकल के गायब गायब तो बेसिकली यहां पर वो मीट करते ही नहीं है तो इसीलिए यहां का जो पैटर्न होता है इक्वीपोटेंशियल सर्विस का वो कुछ इस तरह का होता है ठीक है सो आई होप विथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑपोजिट चार्जेस और लाइक like चार्जेस के केस में हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का पैटर्न अलग अलग क्यों होता है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के कॉन्टेक्स्ट में एक और खास बात यह है कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन अ इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो मतलब एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस के ऊपर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने के लिए वर्क डन कितना होता है जीरो क्यों देखो डेफिनेशन के हिसाब से ही पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना तो यानी कि वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल सिंपल मैथमेटिक्स बिल्कुल अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वी पोटेंशियल है इक्वी पोटेंशियल है मतलब उस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है अब मुझे एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना है तो वर्क डन मेरा कितना होगा Q इंटू पोटेंशियल एट B माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एट A है ना अब पोटेंशियल एट B और पोटेंशियल एट A तो बराबर है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा

सो दैट्स द केस हियर क्योंकि पोटेंशियल सेम है सारे पॉइंट्स पर तो वहां पर मुझे अलग से कोई वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है एंड देयर फोर इक्वी पोटेंशियल सर्विस पे वर्कडन इज ऑलवेज जीरो तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस के बारे में दूसरी खास बात इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर टू इक्वी पोटेंशियल सर्विस क्यों चलो प्रूव करते हैं अगली इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सर्विस Now, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सर्फिस के परपेंडिकुलर रहता है जैसे कि यहाँ पर हमें दिखी रहा है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सर्फिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बट आप ऐसा क्यों मान लोगे सो लेट एस ट्राई टू प्रूव दिस मैथमेटिकली ठीक है चलो इसको प्रूव करने के लिए हम एज्यूम करते हैं अस एज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कोई भी एंगल थीटा बना रहा है विद द इक्वी पोटेंशियल सरफेस ठीक है ये हमने मान लिया मैंने बोला नहीं हम नहीं मानते कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा तो हम कह रहे हैं कि अस सपोज ये एक कोई सरफेस है और यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है ठीक है ऐसा हम मान लेते हैं तो अब चूंकि हमने ऐसा मान लिया एंड में जाके हमको प्रूव क्या करना है हमें ये प्रूव करना है कि थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री ही होगी ठीक है सो दैट्स व्हाट वी हैव टू ठीक है फिलहाल मैंने माना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है थीटा एंगल बनाता है तो अगर मैं इसका हॉरिजोंटल और वर्टिकल कॉम्पोनेंट में रिजोल्व करूं इसे तो क्या हो जाएगा इस तरफ होगा ई कॉस्ट थीटा और इस तरफ हो जाएगा ई साइन थीटा ठीक है तो बेसिकली इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं एक कॉम्पोनेंट है ई कॉस थीटा और e कॉस थीटा किस तरफ है पैरल टू द सर्फेस दूसरा है ई साइन थीटा वो किस तरफ है परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ठीक है ओके अब एक चार्ज की बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या है ई e थीटा अब इस ई e थीटा की वजह से लेट अस सपोज कि यहां पर इस पॉइंट पॉइंट ये है और यहां पर एक चार्ज है, है? E है ठीक है अब हॉरिजॉन्टल डिरेक्शन में ई थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है सो अंडर दैट इन्फ्लुएंस लेट से कि ये जो डी क्यू चार्ज है ये इस डिरेक्शन में इस तरीके से ए से बी की तरफ मूव कर रहा है ठीक है तो जब डी क्यू एक से बी की तरफ मूव करेगा तो वर्क डन कितना होगा सो वर्क डन टू टेक DQ फ्रॉम ए टू बी ये कितना हो जाएगा लेट्स से क्योंकि छोटा सा चार्ज है डी क्यू तो छोटा सा वर्क डन होगा डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा डीक्यू इंटू डीवी जहां पर डीबी क्या है पोटेंशियल राइट right? वर्क डन क्या होता है वर्क डन किसकी वजह से होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो होता है है ना सो so, डी कितना हो जाएगा डी डी हो जाएगा डी क्यू इंटू ठीक है अच्छा वर्क डन को कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला सो so, उस तरीके से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो छोटा सा वर्क डन है इसे हम क्या लिख सकते हैं एफ डॉट डी भी लिख सकते हैं राइट right? अब एफ डॉट डी को हम क्या लिख सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं f डी एक्स थीटा लिख ही सकते हैं है, है कि नहीं तो यानी कि डी डब्ल्यू जो है ये कितना हो गया F की जगह हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यहां पर तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू तो यहां पर Q की वैल्यू है DQ उसको डी क्यू लिख दिया तो डी डब्ल्यू ये आ गया ठीक है यहां तक भी क्लियर है ओके अब देखो ये जो वर्क डन हम निकाल रहे हैं जिस सरफेस के ऊपर निकाल रहे हैं वो सरफेस कैसा सरफेस है जिस सरफेस की हम यहां पर बात कर रहे हैं बेसिकली वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की हम बात कर रहे हैं अच्छा इक्वी पोटेंशियल अगर सरफेस है यानी कि उस पूरे सरफेस के अंदर पोटेंशियल बराबर है अब अगर पोटेंशियल बिल्कुल बराबर है तो वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए आइडियली कितना होना चाहिए आइडियली होना चाहिए जीरो है ना तो हमने ये पढ़ा कि इक्वी पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल के लिए वर्क डन जो है दैट शुड बी जीरो ठीक है नाउ इफ दैट इज द केस तो मैं यहां पर डी डब्ल्यू की जगह जीरो लिख सकती हूँ सो आई कैन राइट ई डी क्यू डी एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो अब भाई E मेरा जीरो तो हो नहीं सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई गिवन है ना कि गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो तो जीरो है नहीं दैट आई एम वेरी श्योर अब जो ये चार्ज है डी क्यू अब ये डी क्यू चार्ज भी जीरो नहीं है क्योंकि एक चार्ज तो एग्जिस्ट कर रहा है ना अगर चार्ज ही नहीं होगी तो कहानी ही खत्म हो जाएगी है ना सो तो इसका मतलब मैं ये भी श्योर हूँ कि डी क्यू भी जीरो नहीं है अब अगर बात करें डी एक्स की तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे हो ही रहा है ए से बी कहीं तो जा ही रहा है तभी तो ये कहानी चल रही है यानी कि डी एक्स भी जो है ये भी जीरो नहीं है तो फिर बचा क्या एंड में जाके बचा थीटा तो यानी कि अगर इस डी डब्ल्यू को जीरो होना है जो कि ये होगा बिकॉज इट इज एन इक्वे पोटेंशियल सरफेस तो एक ही चीज जीरो हो सकती है एंड दैट इज कॉस थीटा तो अगर कॉस थीटा जीरो है सो so थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री इसका मतलब अगर हम एक ऐसे सरफेस की बात कर रहे हैं जो इक्विपोटेंशियल है देन थीटा हैज टू बी 90 तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट और वो ये है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट कोई भी दो डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते हैं ऐसा क्यों लॉजिकली देखो मान लो हमारे पास दो इक्वी पोटेंशियल हैं एक ये रेड वाला दूसरा ये ब्लू वाला ठीक है अब मैंने बोला नहीं ऐसा गलत है हम इन्हें इंटरसेक्ट करा सकते हैं चलो ठीक है भाई इतना ज़बरदस्ती कर रहे हो तो करा देते हैं इंटरसेक्ट जैसे ही हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करा देते हैं तो इनके बीच में जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है वो कॉमन एरिया हो जाएगा दोनों का ठीक है अब मान लो कि जो रेड वाला सरफेस था उसका पोटेंशियल था वी वन जो ब्लू वाला सरफेस था उसका पोटेंशियल था V2. वी टू अब ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस है यानी कि रेड वाले सरफेस पे के हर पॉइंट पर पोटेंशियल वी वन था ब्लू वाले सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल वी टू था अब दोनों को मैंने इंटरसेक्ट करा दिया तो जो इनका कॉमन एरिया हो गया बच्चों बताओ उस एरिया का पोटेंशियल कितना होगा? कितना होगा हो 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 तो अब इनको अगर इंटरसेक्ट करा देंगे तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो रहेंगे ही नहीं क्योंकि इंटरसेक्ट हो जाने के बाद अब इस पूरे सरफेस में सेम पोटेंशियल तो है ही नहीं समझ रहे हो ना आप बात को तो इसी वजह से हम कहते हैं कि दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो बच्चों अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि ई और वी के बीच में रिलेशन देखेंगे और इसे देखने के लिए सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है डी क्यू जिसे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके जा रहे हैं ठीक है यानी कि ये चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है ठीक है ये समझ में आ गया अब चूंकि इस चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं तो कुछ काम तो करना पड़ेगा तो जो छोटा सा काम करना पड़ेगा इस छोटे से चार्ज को ले जाने के लिए दैट इज डिनोटेड बाय डी डब्ल्यू और वो कितना हो जाएगा डी क्यू इंटू डी वी डी वी मतलब इन दोनों सर्फेसेस का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ठीक है मतलब एज्यूम तो हम यही करेंगे अभी अभी हम ये मान के चल रहे कि अगर कुछ वर्क डन है तो मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है तभी वर्क डन है अब देखो भाई वर्क डन को हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर उसे हम क्या लिख सकते हैं एफ डी आर कॉस थीटा एफ को हम क्या लिख सकते हैं एफ को हम लिख सकते हैं ई e क्यू के टर्म्स में राइट ई e मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू ठीक है ये लिख सकते हैं हम डी आर कॉस थीटा अब अगर थीटा की बात करें तो देखो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में जो हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की डायरेक्शन में है तो बेसिकली जो थीटा है वो थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है 180 डिग्री है सो so, कॉस 180 डिग्री क्या हो जाएगा माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस ई डी क्यू डी आर यह हो जाएगा डी डब्ल्यू ठीक है तो पहले भी हमने डी डब्ल्यू के लिए एक एक्सप्रेशन लिखा था इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल अब भी हमने डी डब्ल्यू के लिए एक एक्सप्रेशन लिखा है विच इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक है सो so, हम कह सकते हैं कि फ्रॉम वन एंड टू हम दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं डी क्यू डी वी जो है ये इसके बराबर हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं डी क्यू डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी क्यू डी आर तो ये DQ DQ कैंसिल हो जाएगा तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी तो ये हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल तो इससे हमें क्या पता चलता है कि देखो पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है मतलब डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल जैसे जैसे घटेगा माइनस साइन भी है ना तो वो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ठीक है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के हम डिरेक्शन की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द इन डिशनशियल पोटेंशियल स्टीपेस्ट जिधर पोटेंशियल पोटेंशियल सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है right? है राइट क्योंकि मतलब टू डिस्टेंस की कितना वो घट रहा है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन मैथमेटिकली अब अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सर्फेस एट दैट पॉइंट ठीक है तो यहां पर ये ये जो दोनों सर्फेसेस हैं राइट मतलब ये जो पहला वाला है दैट इज इस सर्फेस के अंदर अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को मूव करोगे तो आपका वर्क दिन जीरो होगा लेकिन एक सर्फेस से दूसरे सर्फेस पे जा रहे हो विच मीन कि लेट से कि इस सर्फेस का पोटेंशियल अगर वी है तो इस वाले सर्फेस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा वी प्लस डीवी उससे ज्यादा राइट सो दैट एक्स्ट्रा पोटेंशियल की वजह से ही ये वर्क डन था ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है माइनस डी वी बाई डी आर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप तो बच्चों इक्वे पोटेंशियल सर्फेसिस के बारे में काफी सारी बातें करने के बाद अब बारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की क्योंकि अब तक तो हम पोटेंशियल की ही कहानी पढ़ रहे थे अब देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चलो देखें तो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जहां पर एक से अधिक चार्ज है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो पहले स्टेप में हम देखेंगे एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस हैं तो ये मतलब एकदम सिंपलेस्ट वाला केस है तो लेटर सपोज एक ऐसा सिस्टम है जहां पर क्यू जो है ये ए पर लाई कर रहा है दिस इज क्यू और क्यू जो है ये कहां पर है ये बी पर है ठीक है अब बच्चों ये बताओ हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया था कितना वर्क डन होता है किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए ठीक है तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो क्यू वन है वो ऑलरेडी ए पर है ठीक है और क्यू टू जो है इसे हम इंफिनिटी से बी पर ला रहे हैं ठीक है तो मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि Q1 वन इज एट ए और Q2 जो है इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी ठीक है तो अब अगर हम इस पॉइंट बी की बात करें तो इस पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से एग्जिस्ट करेगा पॉइंट ए की वजह से क्यू वन की वजह से एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा के क्यू वन बाई आर आर लेटर सपोज आर दोनों के बीच का डिस्टेंस इज गिवन बाई आर वन टू तो ठीक है आर वन टू यही पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल किसकी वजह से होगा जो सराउंडिंग में जो चार्ज है उसके वजह से होगा इसका पोटेंशियल ये तो हमने पढ़ा ही है ठीक है तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट तो यहां पर वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू टू फ्रॉम इंफिनिटी टू बी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा Q2 टू इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब Q2 टू इंटू हम कहां से कहां लेके आ रहे हैं इसको इंफिनिटी से B की तरफ लेके आ रहे हैं राइट right? मतलब मेरा इनिशियल पोजिशन क्या है इंफिनिटी और फाइनल पोजिशन मेरा क्या है B तो ये क्या हो जाएगा Q2 टू इंटू वी पोटेंशियल एट फाइनल पोजिशन माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजिशन मतलब वी बी माइनस वी इन्फिनिटी ठीक है अब पोटेंशियल एट इंफिनिटी हम क्या लेते हैं जीरो तो वो जीरो तो क्या हो जाएगा क्यू टू इंटू वी बी वी बी की वैल्यू अभी ऊपर में हमने क्या लिखा हुआ है हमने लिखा हुआ है क्यू टू इंटू के क्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन टू कुल मिला के हमें क्या मिला पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का क्या हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस ठीक है अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं तो अब हम बात करते हैं केस टू की जहां पर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस अब हमारे पास तीन चार्जेस हैं जैसे यहां पर दिख रहा है क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री अगर हमारे पास तीन चार्जेस हो तो यहां पर इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा के विच इज वन बाई फोर बाई एप नॉट तो बेसिकली ये पूरा क्या है के है क्यू वन क्यू टू बान टू क्यू वन क्यू थ्री बाय आर वन थ्री प्लस क्यू टू क्यू थ्री बाई आर टू थ्री तो जब टू सिस्टम का था तो उसमें क्या था सिर्फ उन दोनों चार्ज के बीच में ही इंटरेक्शन था तीन सिस्टम है तो क्या होगा पहला दूसरे के बीच में इंटरेक्शन होगा दूसरे तीसरे के बीच में होगा पहले तीसरे के बीच में होगा सो so बेसिकली यहां पर तीन टर्म्स आ जाएंगे देखो फॉर्मेट वही है के क्यू वन क्यू टू बाई आर का ही फॉर्मेट है पहला वाला में वन और टू इन्वॉल्व है दूसरे वाले में वन और थ्री इन्वॉल्व है तीसरे वाले में टू और थ्री इन्वॉल्व है ठीक है अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस मतलब दो का हो गया तीन का हो गया व्हाट इफ हमारे पास दस चार्जेस हो व्हाट इफ हमारे पास बीस चार्जेस हो राइट right? तो यहां पर लॉजिक कुछ ऐसा रहेगा कि यार हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 बहुत सारे चार्जेस हैं तो Q1 को सबसे पहले हम इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लेके आ रहे हैं लेट अस सपोज तो जब Q1 को लेकर आ रहे हैं तो यहां पर एग्जिस्टिंग कोई चार्ज नहीं है तो किसी के वजह से पोटेंशियल एक, मतलब है ही नहीं कुछ राइट क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि Q1 के आने के पहले तक यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं था राइट तो इसीलिए Q1 को लेट अस सपोज वर्क डन टू ब्रिंग Q1 वन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए इज U1 तो U1 कितना हो जाएगा जीरो इसको लाने के लिए कुछ वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है अब Q2 को जब हम इन्फिनिटी से लेकर आएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पॉइंट पर तो पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल करेगा और वो किसकी वजह से करेगा Q1 की वजह से करेगा तो इट इज़ लाइक अ टू सिस्टम चार्ज टू पार्टिकल सिस्टम तो U2 कितना हो जाएगा K Q1 Q2 क्यू टू बाई आर वन टू एज्यूमिंग इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर वन टू अब मान लो एक और चार्ज क्यू थ्री है इसी सिस्टम में तो क्यू थ्री को हम इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं इस पॉइंट पर तो अब इसका पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा क्यू वन की वजह से भी होगा और क्यू टू की वजह से भी होगा तो अब जो यू थ्री होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू वन क्यू थ्री बाई आर वन थ्री दिस इज आर वन थ्री प्लस के क्यू टू क्यू थ्री by आर टू थ्री ठीक है अब ठीक इसी तरीके से जब हम Q4 को लेकर के आएंगे तो Q4 जब आएगा तो पोटेंशियल किसके वजह से होगा Q1, Q2, Q3 की वजह से होगा विथ Q4 फोर उसी तरीके से हम U4 भी निकालेंगे तो यह हो जाएगा k Q1 Q4 क्यू फोर बाई आर वन फोर प्लस के क्यू टू क्यू फोर बाई आर टू फोर प्लस के क्यू थ्री क्यू फोर बाय आर थ्री फोर ठीक है तो इस तरीके से हम जो भी हमारा एन पॉइंट चार्जेस हैं तो U1, U2, U3, U4 करते करते हम Un तक की वैल्यूज अगर लिख लेते हैं सो so फाइनली इस पूरे सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा तो हम देखते हैं कि ओवरऑल इस सिस्टम का जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा सम ऑफ दीज पोटेंशियल एनर्जीज यू वन यू टू यू थ्री अप टू यू एन ठीक है और जब हम इन सब का सम करेंगे तो हम क्या देखेंगे U की वैल्यू निकल कर आएगी समेशन के क्यू आई क्यू जे डिवाइडेड बाई आर आई जे ठीक है जहां पर ये आईजे क्या है दे रिप्रेजेंट ऑल द पेयर्स q1 q2 q3 q4 में जो ये j है दे रिप्रेजेंट ऑल द पेयर ठीक है अब फाइनली यहां पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है ये तो हमने समेशन ऐसी लगा दिया ठीक है बट ये I और J की वैल्यू जो है ये अलग अलग होनी चाहिए राइट क्योंकि मतलब अगर आप इन टर्म्स को देखो तो ये आर वन टू वन थ्री टू थ्री ऐसे हैं आर वन वन कुछ नहीं है आर टू टू कुछ नहीं है राइट टू टू क्या होगा कुछ भी नहीं होगा ना क्यू टू और क्यू टू के बीच में तो कोई डिस्टेंस है नहीं सो so, आर वन वन आर टू टू आर थ्री थ्री दे डोंट एग्जिस्ट ठीक है तो so, फाइनली जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन समेसन ऑफ जे इज इक्वल टू वन टू एन एज्यूमिंग के टोटल एन चार्जेस हैं तो आई की वैल्यू वन से एन तक वैरी करेगी जे की वैल्यू वन से एन तक वैल्यू करे वैरी करेगी सच दैट आई इज़ नॉट इक्वल टू जे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्या हो जाएगा के क्यू आई क्यू जे डिवाइडेड बाई आर आई जे और इसको हम क्या कर देंगे हाफ हाफ क्यों किया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये हाफ मैंने क्यों किया ये हाफ मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर आप देखोगे कि हर एक पेयर के लिए जैसे मान लो आई और जे की वैल्यू अगर क्यू वन क्यू टू हो या फिर क्यू टू क्यू वन हो बात तो एक ही है तो हम एक ही टर्म लेंगे राइट तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऑल पेयर्स के लिए ये समेशन होगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं इस सिस्टम में

एन पॉइंट चार्जेस यहां परिमूवी गेट अड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन एच टू प्लस ठीक है पहले इसे समझ लेते हैं एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोले तो एच टू में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटोन होंगे एच टू है राइट right? यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दो प्रोटॉन होंगे अब हमने क्या किया इसमें से दो में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स ज्यादा है अब इलेक्ट्रॉन्स कम है तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक को तो हमने भगा दिया है और प्रोटॉन तो अभी भी दो ही है ठीक है अब क्या हुआ इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एच टू प्लस द टू प्रोटोन्स आर सेपरेटेड बाई रफली वन पॉइंट फाइव एंगस्ट्रॉम तो मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये दो प्रोटोन्स हैं ठीक है और ये दोनों प्रोटॉन्स जो हैं ये कितने डिस्टेंस सेपरेटेड है 1.5 पॉइंट एंगस्ट्रॉम से ठीक है एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली वन एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन लेट्स से कहीं पर है सच दैट कि ये दोनों प्रोटॉन्स से रफली वन एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है ठीक है डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो अब अब ये जो मेरा सिस्टम है मुझे इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है ठीक है तो ये कैसा सिस्टम है ये एक थ्री पार्टिकल सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें थ्री चार्जेस इन्वॉल्व हैं ठीक है और कौन से हैं ये चार्जेस इलेक्ट्रॉन क्यू ई दैट इज वन माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन कूलम्ब चार्ज ऑफ प्रोटॉन पी वन पी वन और पी टू कह देते हैं दोनों प्रोटॉन्स को तो ये क्या है प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन कुलंब उसी तरह से क्यू पी टू दूसरे वाले प्रोटॉन का चार्ज भी पावर माइनस नाइनटीन कुलम्ब ठीक है अब इनके बीच के डिस्टेंसेज भी दिए हुए हैं वन एंगस्ट्रॉम फाइव एंगस्ट्रॉम एंड वन एंगस्ट्रॉम ठीक है अब इस पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा तो अगर हम इस तीन पार्टिकल के सिस्टम को देखें तो इनका देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू है ना ये और ये फिर के क्यू टू क्यू थ्री बाई टू आर टू थ्री तो ये और ये उस तरीके से के क्यू वन क्यू थ्री बाय आर वन थ्री यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टू तो ये हो जाएगा मेरा नेट पोटेंशियल एनर्जी और अब देखो अब तो कुछ खास है ही नहीं सारी वैल्यूज डाल सकते हैं के की वैल्यू नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन क्यू की वैल्यू माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द माइनस नाइनटीन क्यू पी वन की वैल्यू प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन डिवाइडेड बाई आर ई पी वन यानी कि वन एंगस्ट्रॉम ध्यान रखना है यूनिट चेंज करना है वन एंगस्ट्रॉम इज टेन टू दावर माइनस टेन तो इसलिए

क्यू पी वन क्यू पी टू यानी कि ये हो जाएगा 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन डिवाइडेड बाई आर पी वन पी टू पी वन पी टू के बीच में कितना है डिस्टेंस 1.5 पॉइंट फाइव एंगस्ट्रॉन्ग दैट इज वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा माइनस थर्टी पॉइंट सेवन एट इंट टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन जूल्स सो दिस विल बी द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो अब देखते हैं एक और प्रॉब्लम कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस तो यहां पर कितने चार्ज दिख रहे हैं हमें चार चार्जेस दिख रहे हैं ठीक है और ये क्या है एक स्क्वायर है जिसके साइड के लेंथ बराबर है ठीक है सो लेट अस से कि ये मेरा चार्ज नंबर वन है ये चार्ज नंबर टू है ये चार्ज नंबर थ्री है और ये चार्ज नंबर फोर है ऐसा क्यों किया मतलब जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस ठीक है और मान लेते हैं कि स्क्वायर के ईच साइड का लेंथ जो है दैट इज ए ठीक है तो अब जो है यहां पर हम क्या देख रहे हैं Q1, Q2, Q3 और Q4 ये चार चार्जेस हैं और इनकी वैल्यू क्या क्या है प्लस Q, प्लस Q, माइनस Q, माइनस Q ठीक है तो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा k Q1 Q2 क्यू टू बाई आर वन टू प्लस के क्यू टू क्यू थ्री बाई आर टू थ्री प्लस

ठीक है देखो फोर के साथ हमने वन को कर लिया फोर के साथ टू को भी कवर कर लिया फोर के साथ थ्री को भी कवर कर लिया सबको कवर कर लिया तो यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे इनकी वैल्यूज़ डाल सकते हैं के अब Q1, Q2 की वैल्यूज़ क्या है प्लस Q प्लस Q तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R12 वन टू इज़ ए क्यू टू यानी कि माइनस क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय R23, टू भी हो जाएगा A प्लस क्यू टू क्यू फोर यानी कि माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू फोर आर टू फोर मतलब कि इन दोनों के टू और फोर के बीच का डिस्टेंस तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है रूट ओवर टू इन टू ए तो यह हो जाएगा रूट टू ए प्लस क्यू वन क्यू थ्री दैट इज अगेन माइनस क्यू स्क्वेर डिवाइडेड बाई आर वन थ्री आर वन थ्री एगेन हो जाएगा रूट ओवर टू इंटू ए प्लस क्यू वन क्यू फोर यानी कि माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर वन फोर यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस क्यू थ्री क्यू फोर ये हो जाएगा क्यू थ्री क्यू फोर इज प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए तो इसे जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा क्यू स्क्र डिवाइडेड बाई के की जगह लिख देंगे वन बाई फोर पाई एप साइल नॉट ए इंटू माइनस रूट ओवर ए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना पोटेंशियल एनर्जी की बात तो हम शुरुआत से ही कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल इन सारी चीज़ों के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा जोर डाल रही हूँ इन एन एक्सटर्नल फील्ड पे क्यों क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऐसा बात करेंगे कि अगर मान लो मेरे पास एक चार्ज क्यू है और मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय क्यू मतलब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर मुझे क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो ठीक है मतलब अभी तक जो भी हम बातें कर रहे थे जैसे अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और मुझे एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है तो बेसिकली वहाँ पर जो फील्ड क्रिएट हो रहा था वो उस पॉइंट चार्ज की वजह से ही हो रहा था तो हमारी कहानी कुछ वैसी थी बट अब हमारी कहानी कुछ ऐसी है कि मेरे पास एक चार्ज क्यू है और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है जो उसने खुद प्रोड्यूस नहीं किया है जो किसने प्रोड्यूस किया है हमें पता नहीं हमें पता हो चाहे नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है मेन थिंग इज कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस क्यू चार्ज ने प्रोड्यूस नहीं किया है तो क्यू के लिए वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू का पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालना हो इन दैट एक्सटर्नल फील्ड तो हम कैसे निकालते हैं ठीक है बात समझ में आई कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं ओके okay. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज Q इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज गिवन बाय क्यू इन टू वी क्यू क्या है ऑब्वियसली वो चार्ज क्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं और वी आर क्या है वी बेसिकली इज द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है तो ठीक इन सिमिलर लाइंस पर इसी तरीके से हम देखते हैं चलो पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड जब हमारे पास एक सिस्टम ऑफ दो चार्जेस हैं मतलब अभी तो हमने एक सिंगल चार्ज की बात की तो अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तब क्या होगा चलो देखें तो बच्चों यहां पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ टू चार्जेस यानी कि इस पूरे सिस्टम में दो चार्जेस हैं लेट्स क्यू वन एंड क्यू टू तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू वन ये हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इसका मतलब होता है कि Q1 को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा ठीक है सो दैट इज इक्वल टू U1। तो Q1 को जैसे कि अभी अभी हम इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लेके आए ठीक है सो दैट इज वर्क डन टू ब्रिंग Q1 वन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी ठीक है P1, वन लेटर सपोज कि ये वाला पॉइंट मेरा P1 है ठीक है सो दिस पॉइंट इज P1 वन तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा Q1 वन इंटू पोटेंशियल एट पी वन माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी तो जीरो होता है तो ये हो जाएगा Q1 वन इंटू वी पी वन मतलब P1 वन पॉइंट पर जो पोटेंशियल है सो अस सपोज P1 वन पॉइंट पर पोटेंशियल है V, विच इज अ फंक्शन ऑफ r। तो ये हो जाएगा Q1 वन ठीक है अभी r कहाँ से आया अभी देखो अभी समझ में आएगा सर ठीक है अब ठीक इसी तरीके से जो Q2 है उसको इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए अस से ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट इस P2 तो इसे P2 पर लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 जिसे हम U2 से डिनोट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अब इस ये जब आएगा तो Q1 ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है राइट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा Q2 इंटू पोटेंशियल एट पी वन ड्यू टू पी टू करेक्ट क्योंकि जब पी टू आ रहा है जब क्यू टू आ रहा है तो क्यू वन तो ऑलरेडी यहां पर है तो क्यू वन की वजह से इस वाले पॉइंट पर पी टू पर एक पोटेंशियल होगा सो दट इज पोटेंशियल एट पी टू ड्यू टू पी वन यह हो जाएगा है कि नहीं दूसरी बात है जब हम U2 की बात कर रहे हैं तो इस Q2 को इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए भी तो कुछ काम करना पड़ेगा यानी कि Q2 टू इंटू वी पी टू माइनस वी इंफिनिटी तो इन दोनों का सम होगा तो जब Q2 को ला रहे हैं तो इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है प्लस जो एग्जिस्टिंग चार्ज है उसकी वजह से भी इसके ऊपर एक पोटेंशियल है है ना तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा Q2 टू इंटू पोटेंशियल ऑन पी टू ड्यू टू पी वन ये कितना हो जाएगा टू सिस्टम चार्ज का जो पोटेंशियल होता है दैट इज़ के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर वन टू जहाँ पर आर वन टू क्या है इन दोनों के बीच का डिस्टेंसेज आर वन टू मतलब लेटर सपोज अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं इस तरीके से तो अगर Q1 वन का जो पॉइंट है P1 वन इसका पोजीशन वेक्टर अगर R1 है टू का अगर पोजीशन वेक्टर है तो इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस वो R1, तो ये हो गया R12 वन टू प्लस इधर हो जाएगा Q2 टू इंटू वी पी टू यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट P2 टू ठीक है दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं वी विच इज अ फंक्शन ऑफ आर टू ठीक है तो अब नेट नेट इस पूरे सिस्टम का जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा u1 वन प्लस यू तो यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं q1 वन वी आर वन प्लस क्यू टू वी आर टू प्लस क्यू टू या फिर प्लस के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर वन टू ठीक है यही होगा अब यहां पर हमने गलती से दो बार Q2 टू लिख दिया है पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाई आर राइट तो पोटेंशियल तो ये था ठीक है so सो ये हो जाएगा हमारा नेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू सिस्टम चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड तो चलो बच्चों कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड तो डाइपोल के बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ रखा है तो चलो सिचुएशन देखते हैं मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय अ सम डिस्टेंस ठीक है और इस डाइपोल को हमने प्लेस कर दिया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डिरेक्शन में है एंड लेटर से मेरा डाइपोल इस तरीके से है ठीक है जस्ट अभी के लिए मान लेते हैं तो क्या होगा इस डाइपोल के एक एंड पर प्लस क्यू है दूसरे एंड पर माइनस क्यू है तो इस एंड पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई इस डिरेक्शन में लगेगा इस एंड पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई इस डेक्शन में लगेगा तो नेट फोर्स तो इस पर जीरो है बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन ये क्या एक्सपीरियंस करेगा रोटेशन क्योंकि ये वाला ऊपर वाला जो फोर्स है वो इधर धक्का मारेगा नीचे वाला जो फोर्स है वो इधर धक्का मारेगा तो एज अ रिजल्ट ये क्या करने लगेगा रोटेट तो एज अ रिजल्ट मेरा जो डाइपोल पोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आ करके क्या एक्सपीरियंस करता है रोटेशन किसकी वजह से टॉर्क की वजह से और टॉर्क को हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई जहां पर पी क्या है इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट और ई e क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली कि इस डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों अभी अभी हमने क्या देखा कि कोई भी डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क और उस टॉर्क को हम कैसे डिनोट करते हैं पी क्रॉस ई से जहां पर पी इसका डायपोल मोमेंट है और ई e जो है वो एक्सटर्नल फील्ड है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा ये तो हमें पता ही है ठीक है अब हम ये देखेंगे कि वॉट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क अब इस टॉर्क की वजह से वर्क डन कितना है सो दैट वर्क डन विल बी जैसे नॉर्मली जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो वर्क वर्ड इज एफ डॉट डी एस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो यहां पे क्या आ जाएगा टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट मींस यहां पर पिक्चर में आ जाएगा टॉर्क और डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट राइट तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ई साइन थीटा डी थीटा कहा से कहाँ तक लेटर सपोज कि ये जो डाइपोल uh, है ये इनिशियली अगर थीटा नॉट इसका ओरिएंटेशन था बाद में जाके ये थीटा हो गया क्योंकि टॉर्क एक्ट कर रहा है तो ये रोटेट कर रहा है right? so, कि ये वाला जो एंगल है एंगल दैट इट इज मेकिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो ये एंगल पहले थीटा नॉट था अब ये घूम रहा है तो अब थीटा हो गया है तो इसीलिए हम थीटा नॉट टू थीटा पे इंटीग्रेट करेंगे सो वर्क डन विल बी इक्वल टू पी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विल बी कॉस थीटा सो दिस विल बी कॉस्ट थीटा इनस कॉस थीटा वन ठीक है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं वर्क डन को अब ये जो वर्क डन है टॉर्क से यही वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ये तो हमें पता ही है जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर्ड होता है करेक्ट तो हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा वन ठीक है तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया फॉर पोटेंशियल एनर्जी अब यहां पर अगर हम कुछ स्पेशल केसेस देखें स्पेशल केसेस मतलब कुछ थीटा की स्पेशल वैल्यूज सो लेट अस सपोज कि अगर इनिशियली जो थीटा नॉट है दैट इज पाई बाई टू और तो उस केस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा नॉट विल बी इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियली अगर वो परपेंडिकुलर था तो उस केस में कॉस थीटा नॉट जीरो हो जाएगा तो ऐसे केस में यू क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा वन जिसे हम लिख सकते हैं माइनस पी .E, डॉट ई क्योंकि ए बी कॉस थीटा इज ए डॉट बी राइट तो एक स्पेशल सिनेरियो में हम U को यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को माइनस पी डॉट ई वैक्टर से भी लिख सकते हैं ठीक है तो ये हो गई कहानी डाइपोल की जब वो एक एक्सटर्नल फील्ड पर हो तो बचा पार्टी इसी के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड तक एंड आई होप कि इस वीडियो के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो के साथ जिसके अंदर हम बहुत ही धमाकेदार डिस्कशन करेंगे ऑन कैपेसिटेंस और उसके बाद हमेशा की तरह आएगा एक न्यूमेरिकल्स का स्पेशल वीडियो तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपके कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर और अगर ऐसा हुआ है तो कॉमेंट्स में जरूर लिखो कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर इसके अलावा भी अगर आपका कोई फीडबैक है सो प्लीज डू शेयर तो मैं आपको जल्दी ही मिलती हूं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय